बसमर रिम अम वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो और आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है नाइन्थ क्लास का उसमें से कौन से टॉपिक सामने कवर करने हैं और कौन से टॉपिक्स कवर नहीं करने तो इस सिलसिले में हम अपनी सारी बुक है उसको ही देखेंगे तो अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन से टॉपिक सामने कवर करने हैं और कौन से नहीं करने तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हमारी बुक का जो चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में से जो पेज नंबर टू से पेज नंबर सिक्स तक हमें दिया गया है इसको हमने कवर करना है जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है ये टॉपिक्स हमने सारे ही कवर करने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में जिसमें डिफाइनिंग प्रॉब्लम है पेज नंबर टू पर इसको भी हमने कवर करना है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम पेज नंबर थ्री पे है इसको भी कवर करना है हमने और इस तरह से पेज नंबर फोर पर प्लानिंग का सोलूशन है इसको भी हमने कवर करना है और इसके बाद डिफाइनिंग कैंडी सोल्यूशन है इसको भी हमने पेज नंबर फाइव पे कवर करना है इस तरह से ही सिलेक्टिंग द बेस्ट सोलूशन वाला टॉपिक है तो इसको भी हमने ये ऑलमोस्ट पेज नंबर जो सिक्स है इसके हाफ तक हमने इसको कवर करना है उसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट का तो फ्लो चार्ट जो है वो पेज नंबर छः से लेकर पेज नंबर आठ तक हमने कवर करने हैं तो ये आप देख सकते हैं इसमें फ़्लो चार्ट सैम्पल्स भी शामिल हैं ये पेज नंबर सात पे है और ये पेज नंबर आठ के आखिर में जाकर कर आलमोस्ट ख़त्म हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पर एक लाइन भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक है और उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट और जो कि पेज नंबर आठ से पंद्रह तक हैं तो इसको भी देख लेते हैं हम तो इन एग्जांपल में से जो एग्जांपल नंबर वन है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये हमने कवर करनी है और उसके बाद जो एग्ज़ाम्पल नंबर टू और थ्री है ये हमने कवर नहीं करनी और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है एग्जांपल नंबर फोर हमने कवर करनी है इस तरह से ही जो एग्जांपल नंबर पाँच है वो हमने कवर नहीं करनी छः वाली हमने कवर करनी है ठीक है तो ये साथ साथ आपको ये नज़र भी आ रहा है इस तरह से एग्जांपल नंबर सात है ये भी हमने कवर करनी है जो कि पेज नंबर दस पे है और इसके बाद हमारी जो एग्ज़ैम्पल है आठ नंबर ये भी हमने करनी है और नीचे इसका सेकंड पार्ट है दूसरे तरीके से तो इसको भी हमने कवर करना है तो एग्ज़ाम्पल नंबर नाइन जो है ये हमने कवर नहीं करनी है इस तरह से एग्ज़ाम्पल नंबर दस भी कवर नहीं करनी है और आखिर में हमने एग्जांपल नंबर ग्यारह इसको हमने सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर चौदह पे है पंद्रह पे तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है जो हमें बताई गई हो तो इसलिए हम जो है वो पेज नंबर चौदह तक ही इसको कवर करेंगे ठीक है तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो आप देख रहे हैं जिस तरह से है वो है एल्गोरिथम्स का तो पहले हमने इस सेक्शन को कवर करना है और उसके बाद हमने डिफाइनिंग एल्गोरिथम्स की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर पंद्रह से सोलह तक ये सारी हमने जो डेफिनेशन है ये सारी हमने कवर करनी है जो कि पेज नंबर जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है पंद्रह से कंटिन्यू है और ये पेज नंबर सोलह के ऊपर वाली सतह तक तकरीबन यहाँ से यहाँ तक आप जो है वो इसको कवर करेंगे यहाँ तक ठीक है तो इस तरह से ये भी टॉपिक क्लियर हो गया इसके बाद है अगला टॉपिक फार्मूलेशनस ऑफ एन एलगोरिदम जो कि पेज नंबर सत्रह पे है तो उसमें हम देखते हैं ये टॉपिक नहीं आएगा इसमें पेज नंबर सत्रह पे चलते हैं तो ये आ गया पेज नंबर सत्रह पे है फार्मलेशन ऑफ एन एलगोरिदम ये मैंने सर्कल कर दिया है ये टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करना है और इस तरह से जिस तरह से एलब्रदम की ए, कुछ एग्ज़ाम्पल हैं उसको भी हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट की तरह जिसमें जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर वन है टू है और थ्री इसमें शामिल नहीं है फोर भी शामिल नहीं है फाइव इसमें शामिल है और इस तरह से जो एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स है वो हमने कवर नहीं करनी है सात नंबर जो है वो हमने कवर करनी है और इस तरह से ही ये यहाँ तक है एग्ज़ाम्पल नंबर सात ठीक है और इसके बाद ये आठ नंबर कवर हमने नहीं करनी है नौ नंबर हमने कवर करनी है तो ये एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एलगोधम का था नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ एलगोरिदम जो कि पेज नंबर 21 से तेईस तक है तो इसको भी देख लेते हैं ये यहीं पर ही है एफिशिएंसी ऑफ एलगोरिदम इसको हमने कवर करना है और ये कंटिन्यू है पेज नंबर 21 से ऑनवर्ड ये इसमें एग्जाम्पल वगैरह जो है ये सारी ही हमने कवर करनी है तो नीचे तो ऑलमोस्ट कोई चीज़ नहीं दी हुई समझ लें ये ट्वेंटी टू तक ही इसमें शामिल है ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप इसको परफॉर्म कर लें तो बेहतर ही है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर जो कि पेज नंबर ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी नाइन तक है तो पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर चलते हैं तो ये इसमें कवर टॉपिक नहीं होगा और ये वाला भी कवर नहीं होगा और ये वाला भी कवर नहीं होगा तो इस तरह से ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है वेरिफिकेशन एंड वेलीडेशन वाला टॉपिक ये भी कवर हमने नहीं करना है और यहाँ पर है पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स ये टॉपिक हमने कवर करना है जो कि पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर है और कंटिन्यू है देख रहे हैं आप जिस तरह से ये ट्रेस टेबल ये भी हमने कवर करना है और उसके बाद ये हमारा पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर है यूजिंग इन वैला डाटा फॉर टेस्टिंग तो यहाँ तक हमने इसको कवर करना है तो ये पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर है तो इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स का जो पहला एरिया था वो पूरा हो गया है अब हम इसमें क्लास वर्क देख लेते हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन टू फोर यानी कि क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर ये सारे हमने सॉल्व करने हैं पेज नंबर थर्टी पे और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट टू और ये पेज नंबर थर्टी टू थर्टी वन है मतलब चूज ये यहाँ तक आ रहा है ये एरिया हमने कवर करना है और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वन वाला फिल इन द ब्लैंक्स तो इसको भी हमने कवर करना है आ, इस तरह से ही जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट फोर इसमें से क्वेश्चन जो है हम करेंगे सॉल्व वन थ्री एंड फाइव ये वाले मतलब क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव और ये हमारे पेज नंबर थर्टी वन पे है और उसके बाद कुछ होमवर्क दिया गया है और उसमें क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसको हमने सॉल्व करना है ये मैं ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ ज़रा और ये है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर आ फ्लो चार्ट ये वाला क्वेश्चन हमने करना है जो कि पेज नंबर थर्टी पे है इस तरह से ही जो हमारा क्वेश्चन है वन पॉइंट फोर उसमें से जो क्वेश्चन नंबर टू एंड फोर है इसको भी हमने सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर थर्टी पे है तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर वन है वो पूरा हो गया है और इसके बाद हमने चैप्टर नंबर टू को स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर टू जो है जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमारा बैने नंबर सिस्टम है और बैने नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम पेज नंबर थर्टी फोर इसको कवर करना है और उसके बाद है नंबर सिस्टम कन्वर्जन जिसमें डेसिमल टू बैनरी एंड बाइनरी टू डेसीमल है डैसीमाल है और ये हमारा पेज नंबर 35 से 39 तक है ये है हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें शामिल जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने पेज नंबर 35 से 36 तक जाना है और ये 37 है और इस तरह से ही हमने ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये भी कवर करनी है और ये बारे भी एग्ज़ाम्पल लेनी है हमने और इस तरह से हमने पेज नंबर थर्टी नाइन तक जाना है यहाँ तक तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज पेज नंबर थर्टी नाइन टू फोर्टी ये बिल्कुल नीचे ही क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर थर्टी नाइन पर है ये और ये पेज नंबर फोटी है और ये आलमोस्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बनता है इसके बाद ये वाला टॉपिक हमने कवर नहीं करना है क्योंकि हमने नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करना है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो कि पेज नंबर 43 थ्री पे है ये वाला एरिया हमने कवर करना है पेज नंबर 43 थ्री ठीक है ये यहीं तक है और उसके बाद है बोलिनजबरा और बोलिनजबरा में ट्रुथ टेबल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट और ट्रुथ टेबल को भी कवर करना है जिस तरह से ये हमारा ट्रुथ वैल्यूज़ है ये भी कवर करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और और नॉट है ये भी कवर करना है और आखिर में हमने ट्रुथ टेबल को भी कवर करना है तो ये हमने यहाँ तक हमने इसको कवर करना है और इस ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी है तो इसके बाद ये लाद ऑफ बोलियन ये हमने नहीं करने इसको हमने यहाँ से निकाल देना है ये भी कंटिन्यू है लाज ऑफ बोलियन और ये भी इस तरह से ही है और ये भी है इस तरह से आगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को पेज नंबर फोटी नाइन और पेज नंबर फिफ्टी पे ये हमने कवर करना है ये आलमोस्ट फोटी नाइन तक है जिसको हमने कवर करना है और उसके बाद हमारी जो हमारी जो क्लास वर्क है उसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट वन को पेज नंबर फिफ्टी वन पे ये हमने पूरा ही कवर करना है और क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट टू में हमने क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री और इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव ये हमने कवर करने हैं ये पेज नंबर फिफ्टी वन टू फिफ्टी टू तक हैं यहाँ तक तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थ्री और वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने सारा ही कवर करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थ्री फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने सारा ही कवर करना है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फोर है ये वाला ये भी हमने सारा ही कवर करना है जो कि पेज नंबर फिफ्टी टू पे है और इसके बाद हमारा कुछ होमवर्क है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट टू का जो क्वेश्चन नंबर फोर है पेज नंबर फिफ्टी वन पर तो इसको भी हमने कवर करना है ये वाला और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टू पॉइंट एट जिसमें एक एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर फिफ्टी टू पर ये हमने कवर करना है तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर दूसरा जो है ये पूरा हो गया है इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है नेटवर्क्स का तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो टॉपिक है पेज नंबर फिफ्टी फोर टू फिफ्टी सिक्स जिसमें यह नीड ऑफ आ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क ये भी क्वेश्चन हमने साथ ही सॉल्व करना है और जो कि यहाँ तक आ रहा है ये वाला पेज नंबर फिफ्टी सिक्स तक तो ये पेज नंबर फिफ्टी फोर तो टू फिफ्टी सिक्स हमने कवर करना है तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है तो इसमें ये शामिल नहीं है पेज नंबर फिफ्टी सेवन और इसमें नेटवर्क टेपॉलोजीज़ ये भी हमने कवर नहीं करनी है और ये अगले क्वेश्चन आ रहा है हमारा बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पेज नंबर सिक्सटी टू सिक्सटी टू तो ये पेज नंबर सिक्सटी पे हमने सारा कवर करना है ये सिक्सटी वन भी हमने सारा करना है और सिक्सटी टू का हमने यहाँ तक इस पोर्शन में पूरा करना है ठीक है और उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स का पेज नंबर फिफ्टी टू से फिफ्टी फोर तक तो इसमें ये फिफ्टी टू का सेक्शन है और इसी तरह से ही ये हमारा फिफ्टी थ्री भी हमने सारा ही करना है और फिफ्टी फोर को हमने यहाँ तक जो है ना इस टॉपिक में कवर करना है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो बन रहा है वो है प्रोटोकॉल्स इन टी सी पी आई पी तो ये पेज नंबर जो है वो 54 से 55 तक है ये पेज नंबर 54 है 64 है और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ तक आके ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 65 पे तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस जो पेज नंबर 67 से 68 तक है तो इसको भी हम देख लेते हैं इसमें ये टॉपिक कवर हमने नहीं करना है और इसमें ये वाला टॉपिक जो है ये भी हमने कवर नहीं करना ये वाला तो इसमें आगे आ रहा है ये हमारे पास जिसको हमने करना है अंडरस्टैंडिंग आई पी का ये पेज नंबर सिक्सटी और ये 68 के यहाँ तक हमने इसको कवर करना है उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है रोटिंग का वो पेज नंबर 68 टू 69 है सिर्फ रोटिंग का ये टॉपिक जो है हमने कवर करना है ये हमारा पेज नंबर 68 है और ये हमने रोटिंग प्रोसेस को यहाँ पर हमने सॉल्व करना है क्योंकि ये भी उसमें शामिल है और ये पेज नंबर सिक्सटी नाइन तक जो है चला जाएगा और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज़ में क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट वन जो कि पेज नंबर सेवेंटी वन पे है इस सारे को ही हमने सॉल्व करना है ये वाला एरिया जो मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ ये वाला तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन जब है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू तो इसको भी हमने सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर सेवेंटी वन टू सेवनटी टू तक है ये फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने क्वेश्चन सारा ही कवर करना है ये सेवेंटी वन पेज पे है और इस तरह से ये कंटिन्यू है अगले पेज तक ये वाला यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना है पेज नंबर सिक्सटी टू तक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री पॉइंट थ्री इसके हमने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री यानी कि वन से लेकर थ्री तक इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं यहाँ तक जो कि पेज नंबर सेवनटी टू है और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर जो कि पेज नंबर 72 टू पे ही है तो इस तरह से आगे हमारे पास होमवर्क में क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट थ्री में जो क्वेश्चन हैं फोर टू सेवन क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट थ्री में ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं और ये है फोर टू सेवन यानी कि फोर्थ से क्वेश्चन नंबर से लेकर सेवन तक ये मैं इन सारों को इकट्ठा ही सर्कल कर रहा हूँ यहाँ तक और इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करना है तो ये वाला क्वेश्चन है और जो पेज नंबर सेवेंटी टू पर है तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर थ्री है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है डाटा एंड प्राइवेसी का तो इसमें भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका पेज नंबर सेवनटी फोर पर तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये वाला एरिया यहाँ तक है ठीक है सिर्फ ये वाला उसके बाद हमारा टॉपिक है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी पेज नंबर सेवनटी फोर टू सेवनटी एट तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर सेवेंटी फ़ोर है ये भी हमने सारा कवर करना है पेज नंबर सेवनटी फ़ाइव और इस तरह से ये भी हमने सारा टॉपिक कवर करना है पेज नंबर सेवनटी सिक्स और इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है सेवनटी सेवन ये भी हमने सारा करना है और ये 78 एट के टॉप पर ही आलमोस्ट हमने इसको ख़त्म कर देना है तो ये सेवनटी फा नाइन के टॉप पर यहाँ पर हम यहाँ तक हमने इसको कवर करना है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिंपल इनक्रप्शन पेज नंबर एटी वन टू एटी फाइव इसमें हमने ये नहीं कवर करना और ये पेज नंबर एटी पे है ये भी हमने कवर नहीं करना और ये सिंपल इनक्रप्शन का जो टॉपिक है ये हमने कवर करना है जो कि पेज नंबर 81 पर है तो इसको भी हमने कवर करना है और आलमोस्ट ये ये वाला टॉपिक जो है 82 पे भी आ रहा है तो 83 पे भी आ रहा है इसी तरह से और ये वेगनर साइफर का मेथड जो है 84 पर इसको भी हमने कवर करना है और ये हमारा लास्ट पे टॉपिक है पेज नंबर 85 पर तो इसको हमने कवर यहाँ तक सारा ही करना है ठीक है तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इनक्रप्शन विद कीज एंड पासवर्ड्स पेज नंबर एटी नाइन टू नाइन्टी तो इसमें ये वैगनर वाला मेथड हमने सॉल्व नहीं करना यहाँ पर तो ये वाला भी नहीं करना डेफिनेटली ये भी नहीं करना और उसके बाद हमारा पेज नंबर एटी नाइन पर यह टॉपिक जो है इनक्रप्शन विद कीज एंड पासवर्ड ये वाला टॉपिक हमने कवर करना है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आलमोस्ट वहीं पे ही ख़त्म हो रहा है पेज नंबर एटी नाइन पर तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है इसके एक्टिविटी फोर पॉइंट सिक्स है वो भी आप सॉल्व कर लें ठीक है इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साइबर क्राइम का जो क्या है पेज नंबर नाइन्टी टू नाइन्टी वन तो ये साइबर क्राइम वाला हमारा टॉपिक है इसको हमने पेज नंबर नाइन्टी यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है और ये नाइन्टी वन तक चले गए हैं और ये हमने सारा ही इसको सॉल्व करना है ठीक हो गया तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर फोर है वो भी इस तरह से सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद हमारे जो इसकी एक्सरसाइज है उसको भी हम देख लेते हैं तो इसमें ये सारे टॉपिक सामने कवर नहीं करने तो इस तरह से जो क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट वन है पेज नंबर नाइन्टी सिक्स पे ये हमने सारा ही सॉल्व करना है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टू है फिल इन द ब्लैंक्स ये भी हमने कवर करना है पेज नंबर नाइन्टी सिक्स टू ऑनवर्ड जा रहा है ये पेज नंबर नाइन्टी सेवन तक यहाँ तक हमने इसको कवर करना है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट थ्री है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर पाँच ये दो क्वेश्चन ही सिर्फ इसमें सॉल्व करने हैं जो कि पेज नंबर नाइन्टी सिक्स पर हैं उसके बाद होमवर्क में क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो इसमें शामिल है ठीक है और उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है 4.8 पॉइंट एट नंबर 97 की इसको भी हमने सॉल्व करना है तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है फोर यहाँ पर पूरा हो जाता है और उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है वेब डिजाइन वेबसाइट्स का तो इसमें सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू एच है पेज नंबर वन टू वन तो पेज नंबर वन ये हमने सारा ही करना है और इस तरह से पेज नंबर वन वन ये भी हमने सारा करना है और इसके बाद जो हमारा जो पेज नंबर वन ज़ीरो टू है ये भी हमने सारा कवर करना है और यहाँ तक पेज नंबर वन ज़ीरो थ्री तक हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेज नंबर वन ज़ीरो थ्री टू पेज नंबर वन ज़ीरो फ़ोर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर वन ज़ीरो थ्री है और ये यहाँ तक पेज नंबर वन ज़ीरो फोर तक हमने इसको कवर करना है ठीक है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिफाइन आ हाइपरलिंक लिंक टू आ वेबसाइट जो कि पेज नंबर वन जीरो नाइन टू पेज नंबर वन ज़ीरो वन वन जीरो तक है तो उसके दरमियान में जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमने कवर नहीं करने हैं इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और हम जाएंगे पेज नंबर वन ज़ीरो नाइन तो ये हमारा टॉपिक है डिफाइन आ हैपर लिंक इसको हमने कवर करना है तो ये पेज नंबर वन ज़ीरो नाइन है और ये हमारा जा रहा है पेज नंबर वन वन ज़ीरो तक तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कवर करना है तो इसके बाद ये क्रिएटिंग टेबल वगैरह जो है ये हमने कवर नहीं करने हैं तो उसके बाद हमारे जो होमवर्क है तो उसको भी देख लेते हैं हम ज़रा तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट थ्री है और उसका क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हमने सॉल्व करना है फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द बेस् टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैक्स इसको हमने सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर ए वन वन फाइव पे है और उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.5 पेज नंबर 116 पे तो ये हमने सारा ही सॉल्व करना है यहाँ तक ये वाला सारा ही एरिया जो है हमने वो कवर करना है ठीक है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्टिविटी फाइव का पेज नंबर वन पे तो ये वाली एक्टिविटी है तो इसको भी हमने सॉल्व करना है तो इस तरह से हमारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ तक कवर हो जाते हैं अब नेक्स्ट बात है लिस्ट ऑफ़ प्रैक्टिकल्स की तो इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल्स हैं ये सारे मैं आपको बना के दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप तब तक अपना ख्याल रखिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़